Good morning, students. I'm making this first video for the 10th class. I'm picking first of all the chapter number 1, electricity and its effect. So first topic I'm taking electric charge and currents. Electric charge. I understand that you know you are very well familiar with this word, electric charge. सुनिया ना तुसी बेटा ये word पहले कि एक एटम दे विच प्रोटॉन होंदे ने पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होंदे न्यूट्रल न्यूक्लियस दे विच इलेक्ट्रॉन जिने नेगेटिवली चार्ज जिने वो बाहर घूमते रहते हैं सो प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया ने एक एटम ते हुण ए जो एटम है ये सारी चीज़ों दे विच होंदा है वो यूनिवर्स जिन्नी भी चीज़ें ने ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स सी लॉट ऑफ एटम्स आर हियर नो दिस एटम हैज all the charges positive and negative charges means due to some reason when it starts to flow this charge starts to flow then that is called flow of charge is called current no current is what the rate of flow of charge rate means what in unit second rate of flow of charge in unit second how much charge is flowing see this let q charge is there एंड इज फ्लोइंग इन टी टाइम क्यू चार्ज जो है वो टी टाइम फ्लो कर जाता है तो एक यूनिट टाइम कि फ्लो किया चार्ज ओवर टाइम करंट कि बन गया चार्ज ओवर टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम आ बन गया करंट एक सैकेंड कि चार्ज जो है वह निकल गया उन्होंने ही करंट बोलते हैं ज़्यादा चार्ज निकल गया तो ज़्यादा करंट हो गया घट चार्ज निकलिया तो घट हो गया हूँ जो करंट होंगे ये ना तो स्केलर होंदा ना तो यह वैक्टर होंदा बेटा मतलब इसकी डायरेक्शन भी सानू कई बार लेनी पैंदी है पर आपां इनू वैक्टर भी नहीं बोल सकते ऐसा यूनिट की है एम्पीयर करंट का साइंटिस्ट के नाँ ते लिया बेटा इसलिए ध्यान रखना यह रूल है कि साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना हो फर्स्ट अल्फाबैट समॉल अगर एब्रीवेशन करनी हो कैपिटल जिस तरह तुम छोटी क्लास न्यूटन पढ़िया फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड स्मॉल लिखना होंगे और एब्रीवेशन करनी है तो कैपिटल लिख देना मतलब कहने का कि फोर न्यूटन लिखना हो एवं लिखोगे फोर न्यूटन और एब्रीवेशन लिखना होगा तो फोर कैपिटल एन दिस इज नो ऐसा यूनिट जो है वो करंट का वो है एम्पीयर वन एम्पीयर्स अगर असी डेफिनेशन की गल करिए कि वन एम्पीयर सानू करंट दसना है कि वन एम्पीयर करंट किन्ना है वन इस डेफिनेशन दे विच इस फार्मूले दे विच तुसी वन एम्पीयर लिख लो चार्ज नू वन कूलम लिख लो और इनू वन सैकेंड लिख लो ये देखो की कह रही डेफिनेशन इतों से ही डेफिनेशन आ जाती है वन एम्पीयर इज इक्वल टू वन कूलम ओवर वन सैकेंड कि एक कंडक्टर दे विच असी कहांगे कि वन एम्पीयर करंट चला गया वन एम्पीयर करंट अगर एक कूलम चार्ज एक सैकेंड दे विच उदे विच फ्लो कर जाए मीनस करंट इन अ कंडक्टर इज सेट टू बी वन एम्पीयर इफ वन कूलम चार्ज फ्लोस इन इट इन वन सैकेंड एक कूलम चार्ज निकल जाए एक सैकेंड दे विच तो असीं कहांगे वन एम्पीयर करंट हो गया हुण क्वेश्चन अराइज होंदा है कि यह चार्ज फ्लो क्यों करता है किस कारण ते करता है सानू पता है कि पानी फ्लो क्यों करता है वाटर फ्लो क्यों करता है क्योंकि स्लोप होंदा है हाइट होंदी है एक हाइट ते नीचे नू चला जाता है उसी तरह चार्ज जो है बेटा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है पोटेंशियल किवें क्रिएट होंदी है क्या ये चीज़ है इनू पढ़ लिया असीं दो डेफिनेशन सबसे पहले ले रहे हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुणे समझना है बेटा मान लो एक सोरस चार्ज है तुसी दिख रहे हो सोरस चार्ज दिस इज अ सोरस चार्ज इस सोरस चार्ज दे कोल कोई भी चार्ज असी रखना चाहे कोई भी चार्ज तो नैचुरली आ सोरस चार्ज रखना नहीं देगा सानू काम करना पएगा इनू इत्थे रखण लई नज़दीक रखना तो ज़्यादा करना पैना जितना सानू काम करना पैना है वो इस चार्ज की इत्थे पोटेंशियल कहलाएगी बेटा अगर असी कहिए कि असी इनफिनिटी ते
प्रॉपर जो डेफिनेशन आप कहते हैं कि इनफिनिटी ते एक यूनिट चार्ज नू एक पॉइंट ते लेके आए, मान लो एक ए पॉइंट ते लेके आए, हाँ लेके आ गए ए पॉइंट ते, तो इस ए पॉइंट ते जो वर्क करना पिया सानू वो वर्क इस पॉइंट दी पोटेंशियल कहलाएगा बेटा। नैचुरली नज़दीक लेके आंदा ज़्यादा वर्क करना पैंदा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इज इट क्लियर बेटा? इट्स सिंपल डेफिनेशन। नो लेट अस इवैल्यूएट द फार्मूला। जो फार्मूला बनया कि मान लो असी एक क्यू चार्ज नू लेके आ रहे सीगे और क्यू चार्ज जो है वो उन्हों लाने लई सानू काम करना पड़ा डबल्यू, तो वन वोल्ट की डेफिनेशन भी इतों आऊगी और पोटेंशियल की डेफिनेशन इतों आ गई कि पोटेंशियल इज इक्वल टू डबल्यू ओवर क्यू, वर्क डन ओवर चार्ज मूव। एक्चुअली सानू पोटेंशियल की डेफिनेशन तो कितों आऊगी, वो तो आऊगी फ्रॉम द वन वोल्ट, फ्रॉम द यूनिट, फ्रॉम अ वन कूलम चार्ज। तो मीनस देखो अगर असी वर्क ओवर क्यू किया तो वर्क पर यूनिट चार्ज आ ही गया, राइट? सो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल ओवर वन कूलम। अगर असी एक पॉइंट की जिमें असं कह रहे हैं कि आडे को एक सोरस चार्ज है और इतने एक वोल्ट पोटेंशियल है, इहदा मतलब यह होया कि जब असी इनफिनिटी ते प्लस वन मतलब यूनिट चार्ज नू लेके आए हैं तो सानू एक जूल काम करना पिया है, ता ही इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो वन वोल्ट है। वन वोल्ट इज़ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट द फील्ड इफ वन जूल इज वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल इट इज, राइट? सो द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस लैक्चर आई एम टेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मैं तुहानू जिवें दस रहा सी कि पानी जो है वो हाइट ते नीचे नू जांदा है, उसी तरह बेटा चार्ज हाई पोटेंशियल ते लो पोटेंशियल नू अपने आप जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह नाल गया। जिवें असीं कहिंदे आ कि एक नाइन्थ क्लास तुसीं पढ़ के आए माउंटेन है, उस माउंटेन ते उपर पोटेंशियल हाई हुंदी है और नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुसीं पढ़ चुके हो इत्थे लो हुंदी है, पानी इत्थे उड़ेलिया तो नैचुरली नीचे नू जाएगा, राइट? उसी तरह पोटेंशियल होंदी है। चलो पहले इहदा एक्सप्रैशन लिखते हैं फिर मैं उहदे बेसिक ते आंदा। मान लो इत्थे एक पॉइंट ए और इत्थे सोरस चार्ज रखे होया, इस ए पॉइंट की पोटेंशियल पता करनी है तो असीं की करांगे इनफिनिटी ते एक प्लस वन चार्ज लेके आवांगे, इसकी पोटेंशियल पता लगी। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू डबल्यू ए जो वर्क करना पिया डिवाइड बाई चार्ज जो लेके आए। अगर मैं वी दी पता करनी तो इनफिनिटी टू बी कितना काम करना पिया डिवाइड बाई चार्ज, तो पोटेंशियल एट ए बन गया पिछले फार्मूले ते ही लिया असी वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट वी। पोटेंशियल डिफरेंस किमें बनया? बी बी माइनस बी ए, डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बी बी इतने की पोटेंशियल माइनस इधर की पोटेंशियल, बी बी की जगह आ इतों वैल्यू लिख ली बेटा, डबल्यू बी ओवर क्यू माइनस डबल्यू ए ओवर क्यू। नाउ डबल्यू बी ओवर क्यू इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एट बी एंड दिस इज द पोटेंशियल एट ए, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ सी वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हूँ अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट च मैजर होंगे। अगर मैं तुम्हें कहाँ हूँ बेटा कि ए ते तुसी बी नू लेके आए चार्ज नू, तां जिन्ना इन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्हों आपां पोटेंशियल डिफरेंस बोलांगे, राइट? ये असीं एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हुंदा है कि कद असीं कहांगे कि इत्थे वन वोल्ट दा पोटेंशियल डिफरेंस है, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इत्थों ते आ गया। वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वन जूल इज वर्क डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इत्थे ते एक कूलम चार्ज लिया यूनिट चार्ज और इधर ले आए। अगर
वन जूल कम ही करना पिया है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वन वोल्ट है, वन वोल्ट है। अच्छा देखो बेटा, समझ आ रहा बेटा? ओके हुण तुसी समझो कि सानू किवें जे है वो पोटेंशियल डिफरेंस जे है वो समझांदा है कि चार्ज किस जगह ते किस जगह नू जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, जिस तरह किसी एक बॉडी ते पॉजिटिव चार्ज है, इन्हें बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज है उन्हें बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। सो जो चार्ज है पॉजिटिव वो इस तरह हायर टू लोअर नू फ्लो कर जाता है बेटा। द अदर थिंग्स आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच बेटा।